हेलो एवरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दिस इज राहुल मीना वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यू ट्यूब चैनल आट ट सो दोस्तों हमने आप सभी ने देख लिया है दैट आर बी ग्रीड बी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम्स ठीक है देखिए हमें ना प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन की जरूरत से जरूरत पड़ती ही पड़ती है है ना अब यार देखो क्या होता है ना कि कई बार हम लोग थोड़े से डि, डिसअपॉइंट हो जाते हैं अपनी खुद की या तो प्रिपरेशन से खुद की स्ट्रेटेजी से है ना या फिर जो हम लोग चाह रहे हैं उतना कर नहीं पा रहे अपने उतने एफर्ट्स डाल नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिमोटिवेशन तो आ ही जाता है बीच में है ना सो आई होप आपके आज के लिए आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है तो बिना किसी देरी के आई जरा शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपकमिंग क्लासेस हो वीडियो हो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा का जो एप्लीकेशन है ये होना चाहिए इस पर काफी सारा आपको फ्री कंटेंट मिलता है आपकी प्रिपरेशन के लिए और रेगुलर बेसिस पर आपको क्विज़स मिलती है सारे सब्जेक्ट्स की ताकि आप लोग नए नए क्वेश्चन के साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए और तो अगर मान तो लीजिए

हमारे सेशन का आज का एजेंडा क्या है देन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड तो कुछ पॉइंट्स है है दोस्तों उन्हीं पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आपके साथ में है ना और कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट जरूर कर पाएंगे राइट चलेगा सो वन वन बाय कहानी शुरू करते हैं इसकी देखिए सबसे पहली बात तो आर RB, तो आर ग्रेड बी जो है वो बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है और आपको पता है कि कितना सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं अब इस एग्जामिनेशन में यार दोस्तों ऐसा होता है कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं जो पहले से क्लर्क हैं जो पहले से पीओ है किसी बैंक बैंक में वो लोग भी इसके अंदर अपेड होते हैं जो बच्चे ऐसे हैं दो साल तीन साल से प्रिपरेशन कर रहे हो किसी ना किसी वजह से उनका रुक रहा है या तो फेस टू में नहीं होता है उनका या फिर इंटरव्यू में नहीं होता है है ना या फिर डिस्क्रिप्टिव में उनकी हालत खराब हो जाती है तो कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट बन जाता है वो क्लियर क्लियर नहीं कर पा रहे उस एग्जामिनेशन को है ना और कुछ बच्चे क्या होते हैं फ्रेशर होते हैं बिगनर्स होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कॉम्पिटिशन है वो एक बड़े लेवल पे है ना तो खुद को मोटिवेट तो वैसे रखना पड़ेगा आपको ठीक है क्लियर तो एक तो रखना, रखना से तो अलाउंसेस काफी, काफी, काफी अच्छे हैं मतलब हर वो फैसिलिटी जो आप सोचते हो वो सारी की सारी आरबीआई को प्रोवाइड कर सकता है सारी की सारी क्लियर है चलिए अब जरा आगे कुछ कुछ पॉइंट्स पर अगर चर्चा कर ले तो देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि हमारे इस वाई चैनल पर कई सारी सक्सेस स्टोरी डली हुई है बच्चों की जिन्होंने आर बी ग्रेड भी क्रैक किया और दोस्तों जिन बच्चों ने हमसे ही प्रिपरेशन करिए मतलब उन्होंने फेज़ वन की प्रिपरेशन फेज टू की प्रिपरेशन इंटरव्यू की प्रिपरेशन तीनों फेज की प्रिपरेशन अंडर ट्वेंटी फोर सेवन के साथ ही करी ये उन्हीं बच्चों के हैं और ये तीन नहीं है ठीक है ये स्क्रीन इतना ही निकला है और भी काफी सारे बच्चे हैं इसमें तो आप जाएंगे प्ले पर जो आरबीए ग्रेड भी सक्सेस स्टोरी तो उसमें आपको कई सारे बच्चे मिल जाएंगे उनकी सक्सेस स्टोरी देखिएगा देखो उन सक्सेस स्टोरी से देखने से आपको सीखने को मिलेगा काफी कुछ कि उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करी उन्होंने किस तरह से, को किया, उन्होंने किस तरह से अपने भी सीखने को मिलती जिन्होंने किया है।, राइट? ठीक है तो इनसे इनकी सक्सेस जरूर से आप लोग एक एक बार देख ले, थोड़ा -थोड़ा निकल -निकल के फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख ले, लेकिन देख जरूर लीजिएगा है ना ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अब दोस्तों जो बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर आरबीआई ग्रेड भीफिकेशन नहीं आएगा इस बार है

इस फाइनल सिलेक्शन में फेज वन का भी रोल बहुत बड़ा होता है क्योंकि काफी सारा क्राउड इसी को क्रैक नहीं कर पाता है ठीक है चलिए तो अब जरा थोड़ा से पॉइंट्स पर अगर हम बात कर लें कुछ पॉइंट्स पर अगर हम बात कर लें तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये सबसे पहली चीज जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी वाइबली कि सबसे पहले आपसे कहा जाता है कि भैया आप है ना क्लैरिटी रखो दिमाग में कि आपको प्रिपरेशन करनी है या फिर नहीं करनी है किसी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले उस एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना उसका सिलेबस समझना उसके पी वाई क्यू देखना ये देख लिया आप लोगों ने उसके बाद खुद से लग जाता है कि हाँ यार मैं इनको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा राइट ठीक है और जब एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको क्लैक करना है दैट्स दैट्स इट ठीक है तो ये अपना ना वाई हमेशा क्लियर रखा करो कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है मेनली ठीक है वो क्यों शुरू शुरू करी थी मुझे अरबी ग्रेड भी क्यों चाहिए मेनली है ना और जब ये आपका वाई क्लियर हो जाता है ना तो दोस्तों फिर हाउ की कंडीशन आती है कि मुझे इसको कैसे क्रैक करना है मेनली है ना मुझे इसके लिए कितने आर्ट्स की स्टडी करनी है मुझे इसके लिए क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा मुझे किस तरह से हिसाब से अपनी पढ़ाई को लेके चलना है किसी पेड पेज के साथ करना है या फिर मुझे सेल्फ स्टडी करनी है है ना तो हाउ और उसके अलावा व्हाट वही रिसोर्सेज वगैरह कि कहाँ से किस तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं तो हमेशा अपना वाई क्लियर रखा करो है ना कि आपने प्रिपरेशन क्यों शुरू करी थी है ना क्योंकि नो डाउट टाइम लगेगा इसके अंदर क्योंकि देखो दोस्तों आरबीआई ग्रेड एक बड़ा एग्जामिनेशन है और इसको क्रैक करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा है ना कुछ भी चीजें मतलब फटाफट से नहीं हो जाती है आप सोचो महीने के अंदर मैं इसको क्रैक कर तो थोड़ा मुश्किल रहता है है ना तो जो बच्चे पहले से कहीं से प्रिपरेशन कर रखे होंगे मतलब काफी टाइम से प्रिपरेशन कर करेंगे वो उस थोड़ा सा अपने आपको बोल सकते हैं कि दो तीन महीने के अंदर हमने एग्जामिनेशन निकाल दिया लेकिन ऐसा नहीं होता है उसके पीछे उनकी काफी बड़ी जर्नी होती है एक तरह से है ना कई बार लोग अपनी जर्नी को छुपा भी लेते हैं राइट तो अपने वाई को क्लियर रखिए और खुद पर भरोसा करते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलिए दैट्स इट ओके दूसरी बात यह होती है दोस्तों कि टेक वन स्टेप टूवर्ड्स देखा जाए तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते चल रहे हैं मतलब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लो कैसा हो सकता है क्या मैं तीन चार महीने के अंदर अपना एग्जाम निकाल ऐसा हो सकता है क्या तो भैया हो सकता सारी चीजें हो सकती है डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर कि आपके अंदर कैपेबिलिटी कितनी है उसके लिए उस चीज को लेकर है ना बट ये ध्यान रखो कि अगर आप लोग छोटे छोटे टारगेट पर फोकस करोगे ना तो छोटे छोटे टारगेट अचीव करते 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 बड़ा टारगेट कब अचीव कर, कर लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा है ना तो पहली सीढ़ी से डायरेक्टली आप दसवीं सीढ़ी पर जंप ना करो धीरे धीरे आगे बढ़ते चलो अपने आपको टाइम दो है ना सिलेबस है भैया ये सही एक अच्छा खासा सिलेबस है एफ के लिए आपको अच्छी खासी चीजें पढ़नी पड़ेगी उनका डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करना पड़ेगी इंग्लिश के अंदर की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इंटरव्यू के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना है क्वांट रीजनिंग के लिए भी आपको अच्छे से अपने आपको प्रैक्टिस देनी है अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों ये जर्नी टाइम मांगती है आपसे थोड़ा है ना और छोटे छोटे टारगेट सेट करते चलोगे तो आपको मुश्किल नहीं आने वाली इसके अंदर नेगेटिविटी वाले लोग बहुत ज्यादा मिलते हैं अरे इस एग्जामिनेशन में तो इतना बड़ा कंपटीशन है इतने सारे बच्चे अपेय होते हैं और इतने ही इतने का ही निकल पाता है इस एग्जाम में तो वैकेंसीज ही बहुत कम आती है तो भाई रेगुलेटरी का एग्जामिनेशन तो रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जामिनेशन है तो उसको उनको उस लेवल के बंदे चाहिए होते हैं और वैकेंसी नो डाउट की कम निकलती है लेकिन बहुत बढ़िया वैकेंसीज होती हैं है ना तो हमेशा आपको खुद को पॉजिटिविटी के साथ जो लोग सेम थिंकिंग वाले रहते हैं ना कि हाँ जिनका टारगेट सेम होता है राइट बनी हिस्टाप आपने सामने देखी होगी तो सेम टारगेट वाले जो लोग हैं ना उनके साथ भी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए जो लोग नेगेटिविटी वाली बात करते हैं उनसे दूर रहो बोले हाँ भैया ठीक है सुन लो उनको क्योंकि जो बच्चे जो लोग नेगेटिविटी वाले होते हैं ना उनको हम मतलब बहुत ज्यादा समझा नहीं सकते

खुद को रिवॉर्ड नहीं करते हम लोग आप आप देखो कि आपने जब शुरुआत जो प्रिपरेशन करी थी आप वहां से कहां तक आ चुके हो ठीक है आपने क्या नई चीजें सीख ली हैं अभी तक ठीक है तो अपने आपको रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी होता है दोस्तों ठीक है इससे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है यार आपको आपको जब खुद को बोलोगे ना कि यार मैंने आज अच्छा किया है आज मैंने आज मैंने आज मैंने बहुत अच्छा किया है ठीक है आज मैंने इतने इतने सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं मैंने इतनी इतनी प्रिपरेशन को अपनी आगे बढ़ा लिया है

आज तक की मेरी जो जर्नी वो मैं कहाँ तक लेके आ चुका हूँ है ना तो अपनी प्रोग्रेस को रिकग्नाइज करना बहुत जरूरी होता है ठीक है अदरवाइज आप आप लोग मतलब होता ना कि इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे क्लियर है इंप्रूवमेंट नहीं देख पाओगे तो अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है उसकी स्केलिंग करना बहुत जरूरी होती है आपको राइट इस, इस ज, जर्नी के दौरान आप लोग फेज़ वन फेज टू के साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन उस पर भी थोड़ा ध्यान देते चलेंगे तो उस पर भी आपको समझ में आता चलेगा कि मेरे पहले डिस्क्रिप्टिव में मैं कैसा था अब मैं कैसा हूँ क्वांट रीजनिंग के अंदर मैं पहले कैसा था अब मेरी कहानी किस तरह से बन रही है है ना तो रिवॉर्ड के अलावा आपको अपनी प्रोग्रेस को भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है ग्रेड बी तक पहुंचने के लिए बात क्लियर है ठीक है चलिए उसके अलावा दोस्तों एक और बात होती है कि बिलीव इन योर सेल्फ सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है है ना क्योंकि देखिए जब तक हम खुद पर भरोसा नहीं करेंगे ना तो दूसरे लोग भी हम पर भरोसा नहीं दिखाते हैं आपको दूसरों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि यस आई कैन डू दिस आई कैन डू दिस राइट कई बार लोग आपको बोलेंगे यार यार नहीं होगा लेकिन उनको भी भरोसा आपको दिलाना पड़ेगा ठीक है कि यार मैं कर सकता हूँ दैट्स इट तो सेल्फ बिलीव करना बहुत ज़रूरी है ठीक है आपके खुद पर भरोसा करना जरूरी बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपअप राइट ठीक है ये कई सारी चीज़ें जो लिखी हुई है ये ऐसे ही नहीं लिखी होती दोस्तों है ना इसके पीछे कई सारी जज जर्नी होती है तो खुद पर भरोसा करना आपको बहुत जरूरी है इस पूरी जर्नी के दौरान इस चीज़ की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है कि सेल्फ बिलीव होना जरूरी है आपको खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए उसके अलावा दोस्तों अगर एक बात कर ली जाए सो विजुअलाइज अकम्पलिशिंग योर गोल ये एक बहुत अच्छी बात है है ना जो आपको एक तरह से फॉलो करना चाहिए जैसे आपने कई बार सुना होगा कि आपको ना मिरर के सामने थोड़ा सा दे, 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 देखना चाहिए कि आप अगर आप इस तरह के जॉब प्रोफाइल पर अगर पहुंच जाते हो तो आप किस तरह से क्या क्या काम करने वाले हो आप किस तरह से फील करोगे वहां पे है ना तो वो जो विजुअलाइजेशन वाला पार्ट है ना दोस्तों विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा कि मान के चलो आप, आप एक आरबी ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हो तो उसके बाद में आपकी फैमिली कंडीशन क्या बनने वाली है आपकी लाइफ कहां से कहां पहुंचने वाली है राइट ठीक है सोसाइटी सो 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 के अंदर आपकी रिस्पेक्ट किस तरह से बनने वाली है है ना किस तरह की फैसिलिटी आरबी आपको प्रोवाइड करने वाला है किस तरह से आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर होगी किस तरह के एनवायरमेंट के बीच में आप लोग काम करने वाले हो किस तरह की रिस्पॉसिबिलिटी आपके पास आने वाली है तो बहुत सारी चीजें होती है उनको थोड़ा सा विजुलाइज करते रहो ठीक है तो इससे भी आपको ना एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता रहता है कि यार मैं आरबी ग्रेड बी ऑफिसर बन जाऊंगा तो मुझे क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है मेरी इनकम कहाँ से कहा पहुंच जाएगी अभी मेरी फैमिली कंडीशन क्या है और अगर मेरी जॉब लग गई तो मेरी फैमिली कंडीशन से कहा पहुंच सकती है है ना ठीक है तो इस बात का भी ध्यान रखा करो ये चीजें ना मतलब आपको लग रहा होगा किसी किसी बच्चों को सर ये क्या है ठीक है लेकिन दोस्तों इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुना होगा और दोस्तों हमने तो कई बार इसको रियलाइज किया है मतलब हमने कई बार इसको ए, मतलब एक तरह से बोलते ना कि हाँ फील भी कर रखा है इस तरह से कि जो चीज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो विजवराइज कर लेते हो ना तो वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कैसे भी करके आप लोग वहां तक पहुंच जाते हो ठीक है

वो आधी सच्चाई छुपा कर रखता है आधी सच्चाई बताएगा कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे बोलेंगे कुछ नहीं करना बस थोड़ा बहुत पढ़ना है और थोड़ा बहुत फेज वन के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा लास्ट लास्ट में कुछ पेपर लगा लीजिएगा आपका हो जाएगा आराम से लेकिन उनको नहीं पता है कि उन्होंने उसके पहले कितनी प्रिपरेशन करी होगी हो सकता है कि वो किसी बैंक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन काफी टाइम से कर रहे हो जिसके अंदर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी ये तो आते ही आता है तो उनको उसकी हैबिट तो है तो उसके बाद में उन्होंने कुछ लेवल के जो क्वेश्चन पेपर थे वो लगा लिए तो उनका हो सकता है कि हो गया हो है ना लेकिन पूरी सच्चाई आपको जाननी जरूरी होगी है ना तो अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो दूसरे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि हम लोग हम लोग को उनका जो पूरी सच्चाई वो नहीं पता है हम लोगों को है ना तो अपने आप को सिर्फ खुद से कंपेयर करते चल रहे हैं हाँ कि कल मैं कल मैंने कितना किया था मैं कल से आज कितना बेहतर हूँ तो कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है कि है सर वो तो ऐसा कर रहा है उसने तो इतना कुछ कर लिया मैंने तो अभी तो कुछ करा ही नहीं है है ना जैसे अभी मान के चलो आप में से कुछ बच्चे अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे है ना या तो पेड कोर्स के थ्रू या फिर सेल्फ से

ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत जल्दी कर जाती है को कर। प्यार करना चाहिए इट आप खुद के फेवरेट बन, बन जाना चाहिए इस जर्नी के दौरान में आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो किसी दिन कुछ नहीं हुआ तो बोले ठीक है इट्स ओके अपन कल कर लेंगे तो इस तरह की चीजें रखा करो आप लोग इसमें उसके बाद में एक लास्ट थिंग आती है दोस्तों जो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम आपके लिए करेगी वो होंगे हमारे पेरेंट्स है ना सबसे बड़ा मोटिवेशन का जो काम करती है हमारे लिए अपने पेरेंट्स होते हैं क्योंकि कई सारे अपन मोटिवेशन वीडियो देख लो कुछ भी देख लो कहीं पर भी चीज़ें देख लो है ना लेकिन जो सच्चाई होती है ना वो अपने पेरेंट्स के साथ ही अपन बैठकर डिस्कस कर सकते हैं तो जब उनके साथ आप बैठोगे उनके साथ बात करोगे थोड़ा डिस्कशन करोगे है ना ऐसा नहीं कि मतलब अचानक से सब चीज हो जाएगी थोड़ा बैठो उनके साथ टाइम स्पेंड करो तो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलेगा उनके साथ पता चलेगा बैठ के कि उनकी जर्नी कहां से कहां तक कैसे आई है कहा किस किस तरह के स्ट्रगल किए हैं है ना फिर आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आने कि यार मुझे अब करना है कुछ ना कुछ तो जब ये लोग इतना कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता है ना तो अपने पेरेंट्स के पास बैठे आप लोग उनसे बात करें ठीक है सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम आपके लिए ये करेगा तो कभी भी जब लग रहा है आपको कि यार बहुत लो फील हो रहा है तो बस बैठो आराम से उनके पास बात करो ठीक है अब पापा आप, आप अगर कभी डांट दें तो कोई बात नहीं सुन लेना आराम से ऐसा नहीं कि उनको पलट के जवाब दे दिए है ना वो अगर चिल्ला के बात करें तो आप चिल्ला के बात करो ऐसा नहीं आराम से बैठो उनके साथ कोई बात नहीं ठीक है तो ये बहुत ज़रूरी दोस्तों इस पार्ट को भी मिस मत करिएगा काफ़ी कई कई बार हम इस पार्ट को इस पार्ट को मिस कर देते हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठो उनके साथ अगर दूर हो तो वीडियो कॉलिंग पर बात करो मतलब हर तरह की चीज़ें जैसे भी आप लोग उनके साथ टच में रह सकते हो उनके साथ टच में रहना बहुत ज़रूरी है क्लियर चलिए तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा इस पूरी जर्नी के दौरान है है ना अब दोस्तों देखो जो प्रिपरेशन की बात आती है, तो प्रिपरेशन के लिए आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो और हम हमेशा ये नहीं बोलते कि भैया आपको पेड कोर्स लेना जरूरी है लेकिन अगर आप बिगनर हो फ्रेशर हो तो थोड़ा सा चीजों को जानो पहले और उसके बाद में किसी पेड कोर्स को लीजिएगा है ना पहले कुछ चीजों को जानो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ होती है इसमें फेज फेज टू इंटरव्यू ऐसा होता है सिलेबस ये सब रहता है इनका कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास है ऐसा नहीं कि आर ग्रेड भी है दूसरे एग्जाम से बी आई एफ एस सी है एस बी ए पी हो आई बी पी एस पी हो तो उनका सिलेबस जानो पहले पंद्रह बीस दिन पच्चीस दिन एक महीना स्पेंड करो और उसके बाद अगर लग रहा है कि यार मैं खुद से कर सकता हूँ या फिर मुझे किसी पेड कोर्स की जरूरत पड़ रही तो पेड कोर्स ले लेना बट जो बिगनर्स होते हैं एक डेढ़ महीना स्पेंड करने के बाद में आपको एक पेड कोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि पता है जब फ्री में चीज़ें मिलती ना तो हम उसकी इतनी वैल्यू करते हैं नहीं है आज क्लास करी तो करी नहीं करी तो नहीं करी छोड़ दिया परसों कर लेंगे उसके बाद में कर लेंगे तो वो एक तरह से डिसिप्लिन नहीं रहते हो आप लोग है ना तो कोई पेड़ कोर्स जब ले लेते हो ना तो पैसा स्पेंड कर देते हैं हम लोग और पैसा स्पेंड करने के बाद में फिर क्या लगता है यार अब तो पैसा लग गए हैं अब पेरेंट्स भी बोलेंगे कि पैसा लगा के तुमने कोर्स खरीदा है अब पढ़ाई करूंगा किसी भी करके है ना तो एक पूरा स्टडी प्लान देता फिर आपके पास में कि अब हाँ इतने इतने सब्जेक्ट अपने को इस टाइम पर कंप्लीट करने अच्छे से

वाई सात सौ दस ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप किसी भी पेड बच में एडमिशन ले पाओगे क्लियर चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतने रखते हैं फिर मिलेंगे अगले सेशन में आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अब अपने आप को मोटिवेट रखोगे आप लोग है ना ठीक है या? इस पूरी जर्नी के दौरान तो कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे उनको या तो लिख लीजिएगा कहीं पर जो जब आप लोग स्टडी कर रहे हो वहाँ पर स्टडी टेबल पर चिपका लीजिएगा लिख लीजिएगा ठीक है तो जब कभी भी कुछ कुछ चीज़ें अपन भूल जाएँ तो उनको वहाँ पर फटाफट से अपन रिवाइज़ कर पाए कि यार सर ने ये सब बातें कही थी और कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल जरूर रहेगी ये चलिए दोस्तों सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय टेक केयर हैव अ वंडरफुल डे आई एन ऑल द बेस्ट थैंक यू